जयपुर के दांतली ग्राम में आदिवासी समाज के अंतिम शासक वीर राव बादा जी की मूर्ति स्थापना की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। आयोजित वार्षिक उत्सव में राजनेताओं और हजारों की संख्या में किसानों और नौजवानों ने भाग लिया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सचिन पायलट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और टोंक सांसद हरीश मीणा सहित कई कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर आदिवासी समाज के वीर राव बादा जी के योगदान को याद किया गया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में विरोध की एक मर्यादा होती है, विचारों का विरोध हो सकता है, एक दूसरे के प्रति असहमति का भाव रहता है, लेकिन भाषा की गरिमा रखनी जरूरी है। हम उस कांग्रेस पार्टी से हैं जिसका 130 सालों का इतिहास रहा है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमने भी बड़े से बड़े नेताओं का वैचारिक तौर पर विरोध किया है, लेकिन भाषा का स्तर, मर्यादा और गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। चाहते हैं राजस्थान की जो पुरानी परंपरा है, यहाँ पर अतिथि देवो भव, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है, अपनी बात को रखें, पूरा अधिकार है, बात बोलनी भी चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा संयमित और मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है हमेशा से और आगे भी करता रहूंगा। हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं और मुझे लगता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसको देखकर अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। 6 की 6 सीटों पर हम लोग जीतकर आएंगे ऐसा मुझे लगता है।